हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम टू टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कैसे करें, कौन सी ऐसी बुक है जिसे पढ़ने से टीजीटी क्रैक हो सकता है, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो बेटा, सबसे नीचे से हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट के सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो बेटा, जो टीजीटी है इसमें सिलेक्शन का प्रक्रिया अब केवल और केवल लिखित परीक्षा हो गया है। लिखित परीक्षा के आधार पे एक मेरिट बनती है और उसी मेरिट में जिसका अंक सबसे ज़्यादा होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो ये पद के हिसाब से होता है, कितने नंबर की वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग कितने लड़के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और कितने का कितना अंक सही जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो पाता है। तो लिखित परीक्षा में जो लोग अच्छे अंक लाएंगे टीजीटी में आर्ट वाले सेशन में सिलेक्शन वही पाएंगे। आर्ट वाले सिलेक्शन हो या टीजीटी के 16 सब्जेक्ट का सिलेक्शन, बेटा सिलेक्शन का प्रोसेस अब केवल और केवल लिखित परीक्षा हो गया है। इसलिए टीजीटी में 16 सब्जेक्ट जो शामिल किए गए हैं उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस केवल और केवल लिखित परीक्षा हो गया है। इसलिए अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने की कोशिश करें। अगर बात करते हैं पीजीटी आर्ट की, तो पीजीटी आर्ट के लिए बेटा अभी भी लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जोड़ा जा रहा है। इंटरव्यू अभी भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखित परीक्षा को मजबूत करना है यानी अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा अलग से समय निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू का प्रोसेस बाद में है, पहले अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। इसमें 23 सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं, पीजीटी में 23 सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं और सभी में यही प्रोसेस है। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो पीजीटी आप समझ गए होंगे इंटरव्यू प्लस लिखित परीक्षा, टीजीटी केवल और केवल लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम के थ्रू आप टीजीटी में नौकरी पा सकते हैं। अब टीजीटी में आर्ट की बात हो या कोई अदर सब्जेक्ट की, टीजीटी आर्ट वाले समझ गए होंगे कैसे नौकरी पाना है। अगर सटीक रणनीति की बात करते हैं, बेटा सटीक रणनीति वही है कि एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ एक बढ़िया बुक यानी ऑथेंटिक बुक आपको ज़रूरी है कि उसी बुक से पढ़ें। अगर अच्छी बुक नहीं है, राइटर अच्छा नहीं है, तो फिर गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और आप सब जानते हैं कि आज ये कंपटीशन का दौर है और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा है लोगों का। इसलिए अच्छी बुक पढ़ेंगे तभी आपका बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग देखते होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचने से पहले कॉन्फिडेंस हाई होता है। एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे, पेपर सामने आया, थोड़ा सा लो हुआ, पेपर दे के बाहर निकले, कॉन्फिडेंस हाई है, 100% है। कोई पूछा बंदा, कोई भी पूछ ले, भाई पेपर कैसा हुआ, बोलेगा यार 100% सही है। जब 4 दिन बाद आंसर की आती है उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, उस दिन वो 20% डाउन होता है, 80% पे कहता है हाँ पेपर ठीक ही हुआ है। जब मिलान कर लेता है उसके बाद कोई पूछता है पेपर कैसा गया, बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक ही गया है, 70% पे आ गया। उसके बाद जब फाइनली एक बार और रिवाइज आंसर की आती है तब उसको पता चलता है एक्चुअली में हमारी वास्तविकता क्या है, तब वो कहता है यार 45 से 50 क्वेश्चन ही सही गए, 100 में 45 से 50 ही क्वेश्चन सही गए। यानी उसके तैयारी की जो है रणनीति वो ठीक नहीं थी, वो ढंग से अपने सब्जेक्ट को कवर नहीं कर रहा था, अपने सिलेबस को मजबूती से पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो फेल हो रहा था। तो बेटा सटीक रणनीति बहुत ज़रूरी है और सटीक रणनीति मैं पुनः कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने जहाँ पढ़ते हों उस टेबल के सामने अपना सिलेबस लगा लें। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले सिलेबस मेंटेन करना ज़रूरी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे और एक एक चैप्टर को मजबूत करते चलेंगे तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। जब आप सिलेबस फ्रंट पे लगा लेते हैं तो पर डे आपकी निगाह उस पर पड़ती है, हाँ ये चैप्टर हमने पढ़ा है, उसे टिक करते चलना है, हाँ ये वाला पढ़ लिया, इसकी प्रैक्टिस करना है, ये पूरा दिन आपके दिमाग में यही गूंजना चाहिए। जब इस रणनीति के साथ आप काम करेंगे निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी आर्ट की वैकेंसी हो या फिर आईएएस का एग्जाम हो, सभी के लिए ये रणनीति कारगर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप फोकस करेंगे तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। तो जब आप सिलेबस मेंटेन कर लेंगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देखेंगे क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं।
जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप तुलना करेंगे तब देखेंगे कि कौन सा चैप्टर अच्छा है। मान लो टीजीटी आर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें मुगल शैली से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, जैसे मुगल शैली में चार लोगों को शामिल किया जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जहांगीर पर बना या फिर अकबर पर बना। तो हमें अकबर को नोट डाउन करते हुए चलना है कि इस वाले पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन अकबर पर पूछे गए। ऐसे ही आगे बढ़ें, पहाड़ी शैली जिसमें 4 शैलियाँ हैं, कांगड़ा, बसवाईरू, क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया सबसे ज़्यादा, कांगड़ा शैली से। तो बेटा कांगड़ा को नोट डाउन कर लेना है कि पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा कांगड़ा शैली से क्वेश्चंस बने हैं, इसे सबसे ढंग से पढ़ना है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में पहुँचे अगर तो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, इसे नोट डाउन करना है। उसके बाद उसे अंडरलाइन करके ढंग से पढ़ना है कि मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चंस बना या हड़प्पा से। तो इस टाइप से जब आप रणनीति बना के चलेंगे निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा ढंग से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पे खास फोकस करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप देख लेंगे तब आपके मन में जिज्ञासा उठेगी कि हाँ बुक कौन सी पढ़ें। तो बेटा बढ़िया बुक के लिए मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अब मैं पीजीटी इंक्लूड कर रहा हूँ तो टीजीटी वालों को दिक्कत हो रही होगी, सर मैं केवल टीजीटी की तैयारी करना चाहता हूँ, बेटा आप टीजीटी की करें या फिर पीजीटी की करें या फिर कंबाइन करें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए यही बुक कारगर है। कोई एक बुक ऐसी नहीं है जो कला में फाइनली आपको 100% नंबर दिला दे। इसलिए 4 से 5 बुकों का मैं नाम बताऊंगा, उसमें से 2 से 3 बुक आपको अवश्य पढ़ लेनी है। सबसे पहले मैं बुक की अगर बात करूं तो सबसे बढ़िया बुक जो है कला के लिए बेटा वो है भारतीय कला एवं संस्कृति, ब्लैक कलर में आती है, तृतीय संस्करण इसका लॉन्च हो चुका था, हो सकता है नवीनतम संस्करण आ गया हो, माइग्रा हिल्स पब्लिकेशन इसे प्रकाशित करता है, आईएएस ऑफिसर हैं 2013 बैच के नितिन सिंघानिया जी, ये बंगाल कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं, ध्यान रखना है। तो नितिन सिंघानिया जी की बुक है भारतीय कला एवं संस्कृति, इसे आपको ले लेना है, मोटी बुक है और ढंग से पढ़ते हुए चलना है, स्टेप बाय स्टेप उसके बाद 60 नोट्स बनाते हुए चलना है। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए ये सब आप जान ही गए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो दूसरे नंबर पे आती है, वो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, इसे डॉक्टर रीता प्रताप ने लिखा है, डॉक्टर रीता प्रताप ने लिखा है इसे, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। थोड़ी सी पतली बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इसे भी आप कवर कर सकते हैं, ढंग से पढ़ लेंगे। जब आप नितिन सिंघानिया जी की बुक पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको हल्का लगेगा, क्योंकि सेम सिलेबस है, बस थोड़ा बहुत टॉपिक इधर उधर जाता है, क्वेश्चन सेम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन सारे बुकों को प्रेफर करना पड़ रहा है, नहीं तो एक बुक से काम हो जाता। नितिन सिंघानिया जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद जब भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कहां कहां से आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है बेटा समकालीन भारतीय कला, समकालीन भारतीय कला के लेखक जो हैं वो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी हैं, ममता चतुर्वेदी जी हैं, थोड़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसे पढ़ना आवश्यक है क्योंकि समकालीन भारतीय कला के कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम खोज होती हैं, कुछ नवीनतम बिंदु आते हैं, उन पे प्रकाश डाला गया है इनके थ्रू, तो उन्हें आपको ढंग से कवर करना है। चौथे नंबर पे जो बुक आती है वो इम्पोर्टेंट है नितिन सिंघानिया के बाद, उसे अवश्य पढ़ना ही है, कला का संक्षिप्त इतिहास। बेटा जो कला का इतिहास है वो संक्षिप्त रूप में सजोया है राजेंद्र पटेल जी ने, तो इसे आपको पढ़ लेना है। नितिन सिंघानिया के बाद अगर आप और बुक नहीं खरीद पाते, जैसे भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास जिसे डॉक्टर रीता प्रताप ने लिखा है, साथ ही साथ समकालीन भारतीय कला के लेखक ममता चतुर्वेदी, अगर इन दोनों को आप नहीं पढ़ पाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। भारतीय कला संस्कृति साथ ही साथ कला का संक्षिप्त इतिहास, इन दोनों को आपको पढ़ लेना है, काम हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, हाँ हमने ये बुक पढ़ ली है, इतने क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप 100% कर ले जाएं, उसके बाद आपको एक अच्छे राइटर की, अच्छे पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट उठाना है, और प्रैक्टिस सेट को आपको नियमित रूप से करते रहना है। मान लो आपने 20 प्रैक्टिस सेट का कोई एक बढ़िया बुक लेके आए, शुरू किया स्टार्टिंग में, तो ओएमआर आपको भरते हुए चलना है, क्योंकि गोला आज की डेट में भी भरा जाता है और
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की कोई भी वैकेंसी हो उसमें नकारात्मक अंकों का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। 125 क्वेश्चंस के गोले भरने हैं आपको, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं अपना मूल्यांकन करते रहना है। टाइम आने पे चैनल के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस सेट लॉन्च कराया जाएगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से इससे पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें प्राविधिक कला के नाम से वो क्लास चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान में रखें। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए जो सिलेबस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसे आप लोग ढंग से कवर कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। समझ में आ गया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्योंकि चैनल पर सबसे जल्दी और सबसे तेज आपको जानकारी सही एवं सटीक मिलती है टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। तो समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग प्रावैधिक कला के लिए स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप, तो उसके लिए नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के आप भेजेंगे, आपसे टेक्निकल टीम तुरंत संपर्क करेगी और फाइनली आपको सजेशन बता दिया जाएगा किस प्रोसेस से आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए अच्छे राइटर्स, अच्छी बुक, साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो उसका लाभ आप लोग अवश्य लें। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।